गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपकी जो है एक्सरसाइज 5.6 है, जिसमें मैं आपको एलसीएम बताऊंगा कि एलसीएम कितने तरीकों से निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो सब में है, जो नंबर आपको दे रखे हो, जैसे नंबर दे रखा है 6, 8 और 12, मतलब इस 6, 8, 12 में कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, लेकिन वो नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, वो नंबर लीस्ट होना चाहिए, तभी एल लिखा हुआ है। एल का मतलब लीस्ट, और कॉमन भी होना चाहिए, तीनों में तीनों से वो डिवाइड हो जाना चाहिए और नंबर भी छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कैसे पता करते हैं, तीन मेथड इसमें है। पहला मेथड आपके पास दे रखा है कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। तो कॉमन मल्टीपल मेथड में हम करते क्या है, यहां पर हम जैसे ये 6, 8 और 12 इनके मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, लाइक ऑन हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो आंसर आएंगे वो नंबर इसके मल्टीपल होंगे। तो जैसे 6 का मल्टीपल क्या होगा, मैं 6 की टेबल बोलूंगा, है ना, ये 6, ये देखो, तो मैं इसकी टेबल लिख रहा हूं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, मैंने 6 की टेबल लिख दी, 6 1 6, 2 12, 6 18, 6 24, 6 30 और 6 36। उसी ढंग से मैं 8 की बोलूंगा, तो 8 1 8, 8 2 16, तो ये 24 32 40, लाइक दिस, ये मैंने 8 की टेबल लिख दी है। उसी ढंग से मैं आपको 12 की टेबल लिखूंगा, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 16। तो ये देखो मैंने 12 की टेबल भी लिख दी। अब ये जो एक नंबर 6 की मल्टीपल की है, ये जो है 8 के मल्टीपल की है, और ये 12 के मल्टीपल की है, और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऐसा कॉमन नंबर जो इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी है। तो कॉमन तो इसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन कॉमन कौन सा निकालना है, जब आप टेबल और पूरी आगे तक कर देंगे तो कॉमन बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन कॉमन में निकालना है लीस्ट, जो सबसे छोटा है। तो कॉमन में सबसे छोटा एक ये है, देखो, ये देखो 24 और ये देखो 24, ठीक है, क्योंकि कॉमन में तो 48 भी आ जाएगा। मैं भी आगे टेबल आगे करता हूं, तो ये ये देखो 6 की टेबल में 48 आ रहा है और ये आ जाएगा, और ये 8 की टेबल में भी 48 आ रहा है और 12 की टेबल में 48। तो क्या हम 48 को ले सकते हैं, नहीं, 48 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लीस्ट नहीं है, लीस्ट तो ये है, कॉमन भी है, कॉमन तो ये भी है, लेकिन ये लीस्ट नहीं, लीस्ट ये। तो आपका कौन सा नंबर एलसीएम हो गया है, 24 एलसीएम हो गया, किस किस का एलसीएम हो गया, 6, 8 और 12 का। तो एलसीएम यहां पर हम लिख लेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 24, ये एलसीएम आ गया। और मेथड कौन सा था, ये कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये मल्टीपल है इन नंबरों के, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या है कि जो ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों का हम पहले अलग अलग जो है फैक्टर निकालते हैं, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, और फिर उसमें कॉमन लेके करेंगे। अभी जैसे मैं कर रहा हूं, यहां देखिए, मैं 144 के पहले फैक्टर निकालूंगा, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये देखो 72, मैंने इसको डिवाइड किया 36, मैंने इसको डिवाइड किया 18, मैंने इसको डिवाइड किया 9, और ये 3 से डिवाइड हुआ इस तरह से लास्ट में, ये देखो ये आ गया, ठीक। और इसी ढंग से मैं किसका निकालता हूं, ये 180 के मैं फैक्टर निकालता हूं, 2 से मैंने डिवाइड किया 90, मैंने 2 से डिवाइड किया 40, मैंने 3 से डिवाइड किया इसको 15, और फिर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया 5, और अगेन मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, ये आ गया। उसी ढंग से मैं इसके करता हूं, इसके करता हूं 240 के,
240 के मैं फैक्टर करता हूं तो ये देखो मैं 2 से डिवाइड करता हूं 120, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया मैंने इसको 30, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया 15, और मैंने 3 से डिवाइड किया 5, और फिर 5 से डिवाइड किया, ये देख लिया। इस सारे नंबर आपके पास मैंने अलग अलग इनका जो है फैक्टर करे। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं एक एक करके कि 144 के क्या क्या आए। 144 के कितने फोर, 2 4 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 3 3 × 3, फिर इसके कितने है? देखो 180 के क्या आंसर है इसमें, देखो 2 × 2 2 × 2, फिर क्या है 3 × 3 × 3, ठीक, और × 5 × 5, और यहां पर जो है 240 के कितने हैं, 240 का यहां पर देखो 2 2 2, देखो ये 2 × ये 2 इंटू इसके नीचे 1 2 ये, और इसके नीचे 1 2 ये, फिर जो है 3 है, और फिर क्या है 5 है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका इसका जिसका एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन नंबर है उनको एक साथ लेंगे। देखो इस लाइन में ये कॉमन है, देखो ये इधर दोनों जगह, देखो यहां भी 2 है, ऊपर से नीचे तक 2, देखो ये 2, फिर इसमें कितने 2 हैं, 2 2 हैं। पहले हम 3 3 को पूरा कर देते हैं, ये देखो ये ठीक। अब उसके बाद ये 2 2 में से एक लेंगे, फिर इसमें से एक ले लेंगे, फिर इसमें से एक और इसमें से, पहले हमारे पास जो 3 3 है तो एलसीएम आ जाएगा। देखो एलसीएम इज इक्वल टू इन 3 2 में से 1 2, इस 3 में से 1 2, इस 3 में से 1 3, ये आगे इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 3। अब जो ये 2 है ये इसमें से भी 1 2, और जो ये 2 2 है इसमें से भी 1 2, और जो ये 2 3 है इसमें से 1 3, और जो ये 2 5 है इसमें से 1 5। बस सिंपल हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये 2 2 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 4 2 8 8 8 2 16, और 16 5 80। मैंने क्या कर दिया 2 × 2, मैंने सारे 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16, और 16 5 80, तो मैंने लिख दिया इसको 16 5 80, और 3 3 9, और 9 8 72, 720 एलसीएम 720। आप किसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो नंबर दे रखे हैं उनके पहले अलग अलग ऐसे डिवाइड करके फैक्टर पता करो ये, और फिर इन फैक्टरों को ऐसे रखो, और उसके बाद पहले तीनों में जो कॉमन है उसमें से एक ले लो, इस 3 में से एक ले लिया, फिर इस 3 में से ये देखो, और फिर 2 में से कॉमन ले लो, इन 2 में से 1 2 लिखेंगे, फिर इन 2 में से 1 2 लिखेंगे, फिर इन 2 3 में से 1 3 लिखेंगे, और फिर इन 2 5 में से 1 5 लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा दैट इज एलसीएम।